बैठी हूँ, उभर गया मेरा पोता, उठी सलमा, उठी मेरा बच्चा। अम्मा ये तू झाड़ू देगी तुम ब्याह की तू देवा जल्दी करो भिरा तेरे माल छेड़ते वतन गमी ढूंढे ना पत्र जी आ मेरा बच्चा आ जरिया हला सिको थोड़ी जी बलोड़ के ना खिरे गंत माय ना आप नो 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 काम को देखा आ मेरा पुत्र जी ए खिरे मेरा बच्चा इथा बाय यहाँ पे डेजर्ट में वाशरूम वगैरह की सहूलत नहीं होती। ये जो भाई हैं बिलोटा लेकर जंगल पानी करने के लिए सहरा में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तौर पर वाशरूम नहीं होते, ना ही पक्के घर होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना सहराई खातून दही से दूध निकालने का जो प्रोसेस है वो कर रही हैं, और इधर अम्मा जी जो हैं वो चाय बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देहात के लोगों की ये रूटीन होती है कि सुबह उठते ही इनका पहला काम चाय पीना होता है। अभी ये देख सकते हैं आप, चाय बनाई जा रही है। फ्रेंड्स सूरज जो है आस्ते आस्ते तलू हो रहा है, और यहाँ पे सहराई खातून जो हैं वो सुबह की उनकी नॉर्मल जो रूटीन होती है दूध से दही और मक्खन निकालना, वो बिजी हैं अपनी एक्टिविटी में, और उधर अम्मा जी जो हैं सामने चाय बना रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ है। अम्मा जी कितनी देर है चाय को तैयार होने में? तैयार होगी पुत्र। चलो जी ज़बरदस्त चाय जी फाइनली अम्मा जी ने बना ली है, और इधर मक्खन निकलने के आसार भी काफ़ी हद तक नुमाइया हो चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी देर तक। अम्मा जी मक्खन निकलने में कितनी देर लग जाएगी? बस थोड़ी देर है। आपका और उस अम्मा जी का मुकाबला है, देखते हैं अम्मा जी पहले चाय बनाते हैं या आप पहले मक्खन निकालते हैं। देखो भी ये लस्सी वलोड़ा वाली गाल होती है, खिरके की जरी देर लगती है, चाय पक जाने वाल थोड़ी देर लगती है। ये तो है, दे दे और जा।
माल डाल देवे ने पे मैं डाल वे से काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली मक्खन जो है निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हार्ड फार्म में मक्खन नजर आ रहा है। अम्मा जी ये वजन में कितना होगा तकरीबन? एक पाव होगा ना? ज्यादा थी माशाल्लाह। ये एक टाइम का होता है, ये लिक्विड फार्म में लस्सी है और यहाँ पे जी मक्खन निकाल लिया गया है और एक पाव से ज्यादा है। अम्मा जी आजकल पाकिस्तान में देसी घी का क्या रेट चल रहा है? 3000 किलो का। चाय तैयार हो चुकी है, यहाँ पे सहरा के लोग जो हैं वो बड़े मज़े से यहाँ पे रेड़ी पे बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ पे इनकी आदत होती है ये प्याले में चाय पीते हैं, कप वगैरह का रिवाज यहाँ पे नहीं है। ये देखें जी अब मक्खन को जो है उसको हार्ड फार्म में लाया जा रहा है। ये इसका जो है ना एक पेड़ा नुमा शक्ल है, आप देख सकते हैं इसको इकट्ठा करके हमने एक पेड़ा बना लिया है। सामने अम्मा जी जो है वो कॉल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेजर्ट में सिग्नल का काफ़ी मसला होता है, यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं होता, इसीलिए इनको बात करने के लिए किसी ऊंची जगह पे जाना पड़ता है। अभी अम्मा जी जो वो खड़े होकर कॉल पे बात कर रहे हैं। एक झोंपड़ा यहाँ पे बना हुआ है, एक झोंपड़ा वो सामने बना हुआ है, कुछ झोंपड़े जो है यहाँ पे कुछ फासले पर भी बने हुए हैं और यहाँ पे कपड़े की शीट लगा कर भी इन्होंने एक आर्जी तौर पर घर बनाया हुआ है। यहाँ पे रात के टाइम ये लोग अंदर सो जाते हैं, मैं अंदर चल के भी आपको दिखाता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं नीचे जो है वो सारी रेत है, कोई पक्का फर्श नहीं है, ऊपर ये कपड़े की छत है, तो यहाँ पे ये लोग रात के टाइम सो जाते हैं। देखिए कितनी मुश्किल लाइफ है इन लोगों की। सामने आपको सारा सहरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ख़तरा वगैरह भी होता है कि कोई जहरीला जानवर वगैरह आके नुकसान ना पहुँचा दे, जैसे ये आपको रेत पर पड़े निशाना नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो जहरीले बिच्छू वगैरह ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये खुलेआम फिरती रहती हैं। ये आपने गड़े के ऊपर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? ना टोबे च पानी भरते हम दो ना मतलब रेत होती है, ये सब कपड़ा दे देना सब छान के पानी पीने रहा। अच्छा सही है। सुबह सुबह चाय पीने के बाद ये लोग अपने जानवरों का दूध निकालते हैं क्योंकि शहर पे दूध वाले ने आना होता है दूध लेने के लिए। उसके आने से पहले ये सारी अपने जानवरों का जितनी भी गायें होती हैं उनका दूध निकाल के रख लेते हैं। अभी बाई गए अभी बाई जो है गाय का दूध निकाल रहे हैं। मर्दों के साथ यहाँ की खवातीन भी घर के काम काज में हाथ बटाती हैं। अभी आप देख सकते हैं खवातीन जो है वो गाय का दूध निकाल रही हैं। गाय के बछड़े का अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार चेक करें। एक साइड पे गाय का दूध निकाला जा रहा है और गाय का जो बछड़ा है वो मुसलसल अपनी माँ को चूमने जा रहा है। फ्रेंड्स सहराई खवातीन जो है वो पानी भरने के लिए पानी वाले तालाब की तरफ जा रही हैं। सराउंडिंग में सारा डीप डेजर्ट है, सर पर इन्होंने मिट्टी के बर्तन उठाए हुए हैं जिनको यहाँ की लोकल जबान में गड़ा बोलते हैं, इसी में ये पानी लेके आते हैं। फ्रेंड्स सामने आपको पानी वाला तालाब नज़र आ रहा होगा, इसमें बारिशों का कुदरती पानी स्टोर हो जाता है। अभी काफ़ी बारिश हुई है तो ये पानी वाला तालाब फुल हो चुका है, किनारों तक पानी है और सहराई खवातीन जो हैं वो अपने घर से चलकर यहाँ टोबे पे पानी लेने के लिए आई हुई हैं। इन्होंने कच्ची मिट्टी के बर्तन उठाए हुए हैं, यहाँ की लोकल जबान में इसको घड़ा बोलते हैं। यहाँ से ये पीने का पानी भर के ले जाते हैं, इंसान भी यहाँ से पानी पीते हैं और जानवर भी यहाँ से पानी पीते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक साइड पर पीने का पानी भरा जा रहा है और दूसरी साइड पर जानवर पानी पीने के लिए आ चुके हैं। अम्मा जी ने घड़े के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है
क्योंकि ये जो पानी होता है इसमें काफ़ी मकदार में रेत भी शामिल होती है, साफ पानी नहीं होता, इसलिए ये पानी को चल नहीं करने के लिए इन्होंने गड्ढे के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आप पानी के अंदर कर्व्स बनती हुई देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हवा चल रही है तो पानी जो है वो कर्व्स की सिरत में उछल रहा है। आप देख सकते हैं पानी का व्यू, यहाँ पे टोबा जात में इस तरह से पानी स्टोर किया जाता है। जब ज़्यादा देर तक बारिशें नहीं होती तो ये पानी जो होता है टोबों में खुश्क हो जाता है, लोग यहाँ से फिर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। अम्मा, अगर बारिश ना थी तो वाल किवें करे दंदे सा? अल्लाह बड़ा को पूरा रहीम है, वाल पीछा चले बेंदे से जेड़े टोबे ते, यानी के पानी होए या जेड़े टोबे ते पानी होए वाल उड़े ही चले गए से, उता वाल जदी पानी रह गया उथे ही रह गए से, वाल उतो हट ते पाला सा वापस चले, बारिश भई पानी इकट्ठा किया पाला सा वापस आ गया। अच्छा अम्मा जी, मैंने देखा है यहां पे जानवर भी इसी तालाब से पानी पी रहे हैं और इंसान भी पीने के लिए पानी यहां से इस्तेमाल करते हैं। जी हां, एक पासो माल पींदे है, एक पासो साहब पींदे से, एक के टोबे दो सा पींदे से। तालाब से पानी भर लिया गया है, अभी ये घर पे खड़े हो, तालाब से पानी भर लिया गया है, अभी सर पे गड़े उठा के सराय का तोन वापस अपने घरों की तरफ लौट रही है। फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जानवर जो हैं वो तालाब पर पानी पीने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से ये पानी पिएंगे। सामने इधर वाटर पॉइंट बना हुआ है, पानी पीने के बाद ये सहरा में चरने के लिए निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, सहरा में एक ऐसा पौधा है जिसके फूलों से मज़ेदार रेसिपी बनती है। अभी सहराई खवातीन जो हैं ये फूल तोड़ रही हैं और इन्हीं फूलों से इन्होंने आज रेसिपी बनानी है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं कि इन फूलों की रेसिपी कितनी टेस्टी बनती है। हमारे साथ रहना आपने, और इस रेसिपी का क्या प्रोसीजर है वो सारा आपके साथ आज शेयर करते हैं। नजदीक मार्केट वगैरह तो नहीं होती जहाँ पे डेली बेस पे ये सब्जी ले सके, तो सहराब में उगे हुए इन्हीं पौधों के फूलों से ये रेसिपी बनती है बड़ी मजे की। अभी देखिए अम्मा जी फूल तोड़ रहे हैं। सराई लोगों की ज़्यादातर आदत होती है कि ये नंगे पाँव चलते रहते हैं, अभी आप देख सकते हैं इन्होंने शूज़ वगैरह भी नहीं पहने हुए, ये लोग आदी हो चुकी हैं। पहले गाय जो थी वो तालाब से पानी पी रही थी, अभी छोटे जानवर जो हैं भेड़िया और बकरियाँ वगैरह वो भी तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने रज के पानी पीना है, पानी पीने के बाद सहरा में चरने के लिए निकल जाएंगे। सारा दिन सहरा में चरते रहेंगे और जब शाम होगी तो वापस घरों की तरफ लौट आएंगे। बाबा जी सुनाओ, इतना किवें तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है? अच्छा, बारिश खाड़ बन जाए वाला सा हलाक से जाए माल हिक्की जात पी जाए तो फिर अच्छा सौ पी जाए माल डगी सारा सारा सौ पी जाए मी बस पवे वाला सा खुश थी वेंदे ठीक ठाक थी वेंदे से ना हो मी सवाल असा डाढ़े हलाक थी से। तुम्हारे था क्या जानवर हैं? भेड़ हैं, गई हैं? भेड़ हैं, गई हैं। अच्छा अच्छा, वरी ना जानवर नाल सारा चराउन वास्ते वेंदे? उन्हें भी आप चरते नाल नाल गई बेने रुलिया
अच्छा यानी गाय खुद ब खुद चली जाती हैं और आप भेड़ों के साथ जाते हैं तो जंगली जानवर आके उन पे हमला ना कर दे। अल्लाह ताला ने इस कायनात में चिरिंद परिंद जानवर जब अपने मखलूक पैदा किया है तो उसके खाने पकाने का बंदोबस्त भी किया है। अभी देखें ये छोटा सा टिड्डा है, अपने से ज़्यादा भारी तो ये पेड़ा उठा के जा रहा है। अभी देखें कितनी स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ अपनी खुराक के लिए, अपने बच्चों की गजा के लिए। अभी कोई पता नहीं है इसका घर कितनी दूर होगा, इनके छोटे छोटे खोल बने होते हैं जैसा कि यहाँ पर ये आप खोल देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सुराख है ये इनके छोटे छोटे घर होते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। अभी ये देखें ये उड़ के आ रहा है, सकते हैं और ये अपनी खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जानवर सारी रात बैठे रहे हैं क्योंकि खुले आसमान तले इनको बिठा दिया जाता है, इनके लिए कोई प्रॉपर शेड वगैरह नहीं होता। और अभी देखें चाचा जी ने ये जानवर सारे एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि अभी इन्होंने गाय का दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद तालाब पे ले जाएंगे, वहाँ से जानवर पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद सहरा में चरने के लिए निकल जाएंगे। जिंदगी कट दिती है आपके माल के पिछु आप माल नाल खुश है से आपकी जगल रेश है सारी जिंदगी रहे वे से बादशाह आ गया असा ज्यादा खुश थी गए से ना तो क्या सा महसूस सा कुछ जल्द अस क्या परेशान थी वेंदे से जल्द सा पानी जंगल वगैरह मुक गया असा वाल चले गए से सिद्ध को क्या कैसा जिंदगी कट कर रही चार जड़े उठा पास करते वाल जंगल वाल आई उसे असारी रेश या दमी थी है। शहर से दूध लेने वाला आया हुआ है, अभी ये इन घरों से दूध इकट्ठा करके ले जाते हैं और शहर में जाके सेल करते हैं। हर आठ दिन बाद इनके दूध का हिसाब होता है और जितनी पेमेंट बनती है वो दे देते हैं। तू मरी चाहिए मेरे दिल खेर खुद छोड़ अपने पराठे कितने वाले से जबरदस्त अम्मा भाई है सही है। हाँ थोड़ी थोड़ी मेरा पुत डहा बेटे वाले हैं ना घी वाले रोटियाँ खराब ना थी जी अम्मा जी अम्मा
भाई सही है भाई देवा थोड़ी देर तेज कर हवा चली खड़ी है ना हाँ सेक ली पूरा लगी जी अम्मा अच्छा अम्मा जी जैसे ये तेज आंधी चली हुई है तो आपको ये खाना पकाने के लिए मसला तो काफी बनता होगा ए मेरा पुत्र मसला डाढ़ा बन दे सारे किते क्यों जो अंधारी चले चलती है ना अंधारी नाल रेत उग दिए ए नाल चार पाई खड़ी कीती से बाहर हो सभा का नहीं बाल सकते बाल ये हुन गोपे दे बीच भा बाल ते रोटी तैयार करनी पड़ सा देखते किते वे किमे हिसाब नाल चलदा पे सा बहुत परेशानी थी जिंदगी गुजारनी है चौलेस्तानी लोग ऐसे रोहित रहणा अब आदत बन चुकी है आदत बन गई है तो ये नीचे इतनी रेत है ये तो फिर मिक्स हो जाती होगी रोटियों में थी दिए मिक्स भी थी वेंदी बनोना असा तो जिंदगी गुजरे दे वैसे ना वो तो शहर वाले वास्ते परेशानी बन दिया साडे किते वल कहनी परेशानी बन दी है कौन खीर चोरी कर गया